रोटी बनाने की ये जो कॉम्पैक्ट मशीन है ये साइज में भी छोटी है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक घंटे में 600 रोटी तैयार कर देती है। और ऐसे भी मशीन्स हैं जो 1200 रोटियां तैयार कर देती हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। जी हाँ बिल्कुल, 1200 रोटियां। आपको करना क्या है, सबसे पहले आटा गूंथना है। मेन मेहनत तो आटा गूंथने में ही लगती है, बाकी काम तो फिर भी आसान है। तो इसी मुश्किल भरे काम को ईजी करने के लिए आज हम सर्वेश्वर कंपनी की यह 2-in-1 फ्लोर नीडर एंड बॉल कटर मशीन लेकर आए हैं। मतलब समझ रहे हैं, एक ही मशीन में दोनों काम हो जाएगा। ना तो फ्लोर मिक्स करने के लिए मिक्सर लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बॉल बनाने के लिए बॉल कटिंग मशीन। एकदम कॉम्पैक्ट 2-in-1 मशीन है, तो दोनों काम एक ही में होने वाला है। इसका आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत बड़े साइज़ की नहीं है। साइज़ में जितनी छोटी है, काम में उतनी ही खोटी है। इसकी पूरी बॉडी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील 304 से डिजाइन की गई है, जो कि किसी भी फूड मटेरियल के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। एक साइड मिक्सर दिया हुआ है जो मिक्स करता है, दूसरे साइड बॉल कटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसमें आप गूथा हुआ आटा डाल देंगे तो बॉल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले MCB ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका मिक्सर चालू हो गया है और यहाँ एक साइड बॉल कटिंग मशीन का वार्म भी चालू हो गया है। मिक्सर में सबसे पहले आटा डाल दीजिए। आटा डालने के बाद मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन पानी डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। इससे रोटी का स्वाद और भी गजब का हो जाता है। अब प्रीफर्ड क्वांटिटी में पानी डालते जाइए। डालते समय एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, मिक्सिंग होने के साथ साथ पानी डालते रहें। एक ही बार में डाल देंगे तो आटा अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसकी एक यही क्वालिटी है कि 5 किलोग्राम आटा मिक्स करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। और 5 मिनट के बाद आप देखिए, एकदम गूथा हुआ आटा रेडी हो गया है। इसकी क्वालिटी आप देखिए, जिस तरह हम घर में गूंथते हैं उससे भी अच्छी क्वालिटी में गूंथा हुआ है। अब इसे बगल में लगे हुए इस हॉपर में डाल दीजिए। इसका वार्म तो लगातार चल रहा है। आप यहाँ आगे साइड से देख सकते हैं कि बॉल कटिंग होकर एकदम से निकल रहा है। ये मशीन बिल्कुल सेंसर बेस्ड वर्क कर रही है। जैसे ही डो बाहर आता है, ये ब्लेड पीस बाय पीस कट कर देता है। यदि आप चाहें तो बॉल्स के साइज को भी अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जितने साइज में आप बनाना चाहें उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मशीन सिर्फ 1 घंटे में 1000 बॉल्स रेडी कर देती है। जी हाँ बिल्कुल, 1000 बॉल्स। बिल्कुल सेंसर बेस्ड कटिंग कर रही है, तो बॉल के साइज भी एकदम कंसिस्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बॉल छोटा है तो कोई बॉल बड़ा। सबका साइज और वेट एकदम बराबर है। अब इसे सूखा आटा में मिला दीजिए और बताइए इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि नहीं। एकदम आसानी से लोई तैयार करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रोटी बनाने के लिए पेश है आपके सामने एकदम लेटेस्ट एंड स्मॉल ऑटोमेटिक रोटी मशीन। इसका मॉडल नंबर है SMT 600। ये फुली ऑटोमेटिक वर्क करती है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ ऊपर से बॉल रखना है, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए। मशीन बेलन करने के बाद एकदम अच्छे से पका कर गर्मा गर्म रोटियाँ निकालती जाएगी। इसमें 2 मशीन को कंबाइन किया गया है। ऊपर आप जो देख रहे हैं ये प्रेसिंग मशीन है, बॉल डालते ही ये बेलन कर देगी। और नीचे यहाँ पर जो बेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, बेलन होने के बाद ऑटोमेटिकली ही बेकिंग प्लेट में आ जाएगा। आपको उठाकर अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप तवा भी बोल सकते हैं। ये एकदम से हॉट रहता है और इसी में रोटी पकती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल दिया गया है, यहीं से आप पूरे मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड हीटर के साथ प्रेसिंग यूनिट का बटन दिया गया है, इसका यूज करके हीटर और प्रेसिंग यूनिट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बगल में 2 डिजिटल मीटर लगा हुआ है। ऊपर वाला मीटर फिक्स प्लेट का टेम्परेचर बताता है और नीचे वाले मीटर में आप मूविंग प्लेट का टेम्परेचर देख पाएंगे। ये बॉल फीडर है, जितने भी बॉल तैयार किए गए हैं अभी इसमें रखेंगे। इसके नीचे यहाँ पर प्रेसिंग यूनिट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। जितने थिकनेस में आप एडजस्ट कर देंगे उसके बेसिस पर ही मशीन बेलन करेगी। अभी आप देखिएगा कैसे बेलन करती है। बेलन होने के बाद ऑटोमेटिकली ही बेकिंग प्लेट में आ जाएगा। इसमें हीटर लगा हुआ है, इसीलिए एकदम से हॉट रहता है। इसमें पकने के बाद एकदम स्वादिष्ट रोटियाँ तैयार होंगी। मशीन चलाने के लिए करंट और गैस दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें गैस प्रेशर गॉज दिया गया है, इसके द्वारा आप गैस कंट्रोल कर पाएंगे। तो बस गैस ऑन करिए और यहाँ फीडर में बॉल रखिए। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लीजिएगा, इससे मशीन को बेलने में आसानी हो जाएगी। रखने के कुछ सेकंड बाद ही बेलन होकर प्लेट में आ गया। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत कम है। एडजस्ट करने का पूरा ऑप्शन दिया गया है। आप 1 mm से लेकर 3 mm तक एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी मोटी आपको या फिर आपके कस्टमर को खाना हो उस हिसाब से बना लीजिएगा। अभी ये आगे बढ़ते हुए बेकिंग चैम्बर में जा रहा है। इसमें ऊपर की तरफ गैस लगा हुआ है, इससे फायदा ये है कि रोटी ऊपर नीचे दोनों साइड एकदम अच्छे से पक रही है। यहाँ आप इसका बेकिंग टाइम को भी अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, जिससे कि रोटी और पक जाएगी। जितनी पकी हुई रोटियाँ आप बनाना चाहें उतना पका सकते हैं। ऊपर आपको सिर्फ डो बॉल रखना है, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिकली ही बेलन करने के बाद यहाँ नीचे बेकिंग प्लेट में भेज रही है। आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सेट कर देंगे उसके बाद आप हज़ारों रोटियाँ बना सकते हैं।
सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि गर्मा गर्म रोटियाँ अपने आप ही निकल कर बॉक्स या फिर प्लेट में आ रही हैं। रोटी बनाने के लिए इसका यूज करने पर 50% कम गैस यूज होता है, और साथ ही में रोटी 360 डिग्री में बेक हो रही है। बिल्कुल सिंपल डिजाइन में मैन्युफैक्चर किया गया है, जिससे कि मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा एकदम से कम हो जाता है। इसमें आप 25 ग्राम से लेके 45 ग्राम तक की रोटी बना सकते हैं। साइज की बात करें तो 4 इंच से लेके 7 इंच तक बना पाएंगे। आपके मार्केट में जिस तरह की रोटी की मांग हो, उस तरह से आप एडजस्ट करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। मशीन बहुत बजनी भी नहीं है, सिर्फ 120 किलोग्राम की है, और इसे ट्रेवल फ्रेंडली डिजाइन किया गया है, जिससे कि आप अपने होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, मेस बिजनेस जहां भी आप चाहें वहां लगा सकते हैं। साइज बहुत बड़ा नहीं है, इसकी लंबाई देखें तो 3.8 फीट, चौड़ाई 2.8 फीट और ऊंचाई सिर्फ 4 फीट है, तो एक छोटे से कमरे में आसानी से आ जाएगी। आपको अलग से रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। मशीन तो लगा लेंगे, लेकिन प्रोडक्शन कितना करेगी? तो देखिए, मशीन सिर्फ एक घंटे में 450 से 600 रोटी बनाकर तैयार कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल 600 रोटियां सिर्फ एक घंटे में। इतनी रोटी बनाने में सिर्फ 1 किलोग्राम गैस और 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। मशीन ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप ऑपरेट कर पाएंगे। बिना किसी एक्सपीरियंस के भी आप मशीन चला सकते हैं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। कंपनी में आपको और भी मॉडल की मशीन्स मिल जाएंगी, जो कि सिर्फ एक घंटे में 1200 रोटियां तैयार कर देती हैं। मतलब समझ रहे हैं, 8 घंटे मशीन चला दिया तो 9 से 10 हज़ार रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। जितनी भी रोटी मशीन से निकल रही है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल घर की तरह है। बताइए आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा यदि आप प्राइस या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन में आपको जो नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप जरूर करिए। वैसे इस चैनल में देखा जाए तो चाहे फूड मशीन्स हो, एग्रीकल्चर मशीन हो, कंस्ट्रक्शन मशीन हो या फिर फैक्ट्री सेटअप, हर तरह की छोटी बड़ी मशीन से अवेलेबल है। आपने देखी क्या? नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिए। बाद में नहीं, अभी करना है, तुरंत करिए, क्योंकि ये सभी मशीन्स आपके बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ लाती हैं। तो एक बार आप इन सभी मशीन्स को देखिए, ये मत सोचिए कि वीडियो खत्म हो गई है। अभी मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार दाल चावल सब्जी बनाने की मशीन वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।